फाइंड तो ये, ये जो मीन आएगी इनका जो एवरेज आएगा थर्टी तो उसके बाद क्या करना है? का करना है. तो सबसे पहले मीन का मीन का फॉर्मूला क्या होता है मतलब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑफ समर्वेशन क्या हुई एक्स प्लस एक्स प्लस टू फिर प्लस एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस फोर ऐसा करते हैं इनको ब्रैकेट में डालते हैं एक्स प्लस एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस सिक्स प्लस एक्स प्लस एट प्लस एक्स प्लस टेन ठीक है एक्स प्लस एक्स प्लस ठीक है यहाँ पे ब्रैकेट बनेगा ठीक है इसको हमको डिवाइड करना कितने टोटल नंबर 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 ठीक है और ये जो वैल्यू आएगी वो थर्टी का लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे तो क्या हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस टू सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी थर्टी 6x plus 30 upon 6 equals to 30. 6 से इधर ले जाते हैं. 180 180 minus का 30 इधर ले लेते हैं. 180 minus 30 equals to 6x. फिर 150 equals to 6x. x equals to 150 upon 6. ये 150 upon 6. 150 upon 6 से आ रहा है इसको कटेंगे. का जाएगा 25. 25 हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा. ठीक है. मतलब ये वाला नंबर है 25, 25 प्लस टू हो जाएगा 27, 25 प्लस फोर हो जाएगा 29, 29 प्लस सिक्स हो जाएगा 25 प्लस सिक्स हो जाएगा 31, 25 प्लस एट हो जाएगा 33 और 25 प्लस टेन हो जाएगा 35, ठीक है क्या होगा 35. फिर अब हमको क्या निकालना है मीन ऑफ थ्री ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन थ्री ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है थर्टी फाइव और थर्टी इनका हमको क्या निकालना है मीन निकालना है वैसे बिक रहा है थर्टी है और फिर भी

343.98 देन द द वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूब इज अब एक है है ठीक उसका पूरा सरफेस एरिया पेंट करना है तो उसके लिए आ, वो क्या पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए थर्टीन रुपीज रहता है और टोटल टोटल जो मनी पे करना था, होता है होता थ्री फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट ठीक है तो क्या होगा थ्री फोर्टी थ्री एट ये हमारी कॉस्ट है ठीक है अब सर क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का सरफेस एरिया होता है सिक्स ए स्क्वायर सिक्स स्क्वायर तो है ये ठीक है सिक्स स्क्वायर तो हमारा सरफेस एरिया अब सरफेस एरिया को हमको थर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो कॉस्ट आ जाएगी उसके इक्वल हो जाएगा ठीक है अब क्या करते हैं थ्री फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट बाय थर्टीन इंटू सिक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर ये आ गया तो अब क्या करते हैं ये पॉइंट हटा देते हैं दो जीरो लगाए तो अब ये थर्टीन से कट जाएगा तो थर्टीन से काटते हैं टू तब तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स फिर 59, 59 के लिए तो यहाँ पे नीचे हंड्रेड आ जाएगा और यहाँ पे फोर ट्वेंटी फोर फोर और फोर फोर्टी वन फोर फोर्टी अपॉन हंड्रेड टू ए स्क्वायर तो क्या होगा 4.41 पॉइंट फोर वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर का हम रूट निकाल लेते हैं मैं यहां पे रूट निकाल लेंगे तो ए आ जाएगा होंगे ट्वेंटी वन का स्क्वायर होता है वैसे ही फोर पॉइंट फोर वन का रूट क्या आएगा फोर पॉइंट फोर वन का रूट आएगा टू पॉइंट वन ठीक है, है? तो ए क्या गया टू पॉइंट वन आ गया तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा

बस हमको उनसे ही मतलब है बाकी को तो हटा देता है ठीक है पार फाइव को भी हटा देंगे ठीक है फिर सिक्स पी को हटा देंगे बचा क्या पी क्यूब का थ्री पी क्यूब माइनस सिक्स पी क्यूब माइनस टू पी क्यूब थ्री पी क्यूब माइनस सिक्स पी क्यूब होता है माइनस थ्री पी क्यूब माइनस थ्री पी क्यूब माइनस टू पी क्यूब होता है माइनस फाइव P cube. P cube वाली टर्म यही बचेगी तो माइनस फाइव पी क्यूब का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है तो अब यहाँ पे ये सॉल्यूशन में ये दे रखा है।, तो है ठीक है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस ऐसे हो सकता है कि गलत हो जाए यहाँ पे ध्यान में देना अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल पी क्यू इज पैरल टू x. तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा ये, ये वन तो जीरो फिर इसके बाद ये जो हमारा जा रही है ये ये क्या बना रही है एन बना रही है ठीक है तो इसमें क्या होता है जो ये वन ट्वेंटी डिग्री है ये कौन से एंगल के बराबर होगा ये इस पूरे एंगल के बराबर होगा ठीक है मतलब एक्स प्लस सेवेंटी फाइव के बराबर होगा ट्वेंटी हमको पता है 120 तो एक्स क्या आ गया एक्स आ गया फोर्टी फाइव डिग्री तो फोर्टी फाइव डिग्री हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्टी पर जो हमको बोल रहा है सिंप्लीफाई है नाइन वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्सक्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाय नाइन डिवाइडेड बाय थ्री वाय माइनस टू एक्स बाय थ्री तो अब यहाँ पे इसको देख के क्या लग रहा है सबसे पहले इसको देखेंगे तो यही लग रहा है किसी का होल स्क्वायर है ठीक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा क्योंकि माइनस फोर एक्सक्वायर वाली रही है ठीक है तो सबसे पहले देख रहे हैं देख लेते हैं नाइन वाई स्क्वायर किसका है नाइन वाई किसका स्क्वायर है थ्री का स्क्वायर है

हमको बोल रहा है, values X rational number है, है, ठीक इनमें से हम की लें, ये नहीं तो अब यहां पे अगर X की value 2 रखें, तो क्या हो जाएगा और 2 2 2. और ये क्या होता है? 15 by 0. और अगर कहीं पे भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है मतलब वो नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिट है। ठीक तो है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है वैसे भी रेशनल नंबर होता है क्या है नंबर नंबर इज इन द फॉर्मेट ऑफ पी बाय क्यू क्यू वेयर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो पर यहाँ पे क्यू जीरो हो गया मतलब ये नंबर नहीं है और यारोल्यूशन पता हूँ आप जाना भी मत तो ये ये ऐसा सॉल्यूशन बी और ये सब दे रखें पर जो लास्ट में मैं सॉल्यूशन बताऊँ वही है ठीक है तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो बोल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर अब इनमें से कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन परफेक्ट स्क्वायर है ठीक है तो फाइव एक्स माइनस सेवन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ऑप्शन नंबर एक गलत है फिर बी चेक करते हैं ठीक है फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी वन टू इंटू एक्स क्या हो जाएगा हो हो जाएगा जाएगा ठीक 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 है 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 क्या क्या करते हैं 5X -2X, minus 21, plus 42, तो ये भी गलत आ गया हमारा ठीक है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता सेवन परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं होता ठीक है अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी ये बोल रहे हैं हमको फाइव एक्स माइनस फोर Equals to 4X, है तो ऑप्शन है अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमको बोल रहा है एट व्हाट परसेंटेज सीपी मस्ट एन आर्टिकल बी एज टू गेन टू परसेंट आफ्टर कस्टमर ऑफ फाइव परसेंट ऑफ फाइव परसेंट तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको ले, ले लेते हैं For example, 100, क्योंकि परसेंटेज में 100 लेना सही रहता है 1 आ जाता है जाता ये सब सेल किया ठीक है तो फिर 152 पे उसने सेल किया है बट फाइव परसेंट डिस्काउंट दे के मतलब कस्टमर को ऐसे दिखा है कि वो फाइव परसेंट डिस्काउंट दे रहा है तो हम क्या करेंगे जो हमारा कॉस्ट प्राइस मान लो मार्क् प्राइस मान लेते हैं जो मार्क्ड प्राइस था और उस पर डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस हो गया तो मार्क्ड प्राइस मान लेते हैं वो ऑब्वियसली 152 से ज्यादा होगा वो का प्राइस तो हम क्या करते हैं मार्क्ड प्राइस का 95% क्या होगा 152 होगा ठीक है ऐसा इसलिए क्योंकि वो 5% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है तो 95% हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस जो होगा वन तो हम मान लेते हैं मार्क्ड प्राइस को एक्स ठीक है तो क्या करेंगे 95 90, 5X upon 100 equals to 152, x ठीक है Five जाएगा जाएगा हो और ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री जीरो फोर जीरो अब नाइनटीन और थ्री जीरो फोर जीरो कट जाना चाहिए पूरा ठीक है तो यहाँ पे वन आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा सिक्स फिर आ जाएगा जीरो तो वन सिक्सटी हमारा क्या आ जाएगा मार्क्ड प्राइस आ जाएगा तो मार्क्ड प्राइस आ गया ठीक है अब हमको क्या बोल रहे हैं उसने कित अब मार... अब पूछा गया था हमको कि एट वॉट परसेंटेज ऑफ सी बी मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड मतलब मार्क प्राइस वन सिक्सटी है और कॉस्ट प्राइस है 100. तो कितना परसेंट ऊपर हुआ सिक्सटी परसेंट इनक्रीज हुआ ठीक है हमारा आंसर क्या आ जाएगा सिक्सटी परसेंट ऑप्शन नंबर डी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको बोल रहा है अ नंबर एक्स इज फिफ्टी टू परसेंट ऑफ द अनादर नंबर वाई इफ सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज फिफ्टी सेवन परसेंट ऑफ एट हंड्रेड देन वाई इज इक्वल टू ठीक है अब क्या बोल रहे हैं अब जो एक्स है ठीक है वो फिफ्टी है अनादर नंबर वाई का ठीक है तो हम क्या इक्वेशन बन सकती है फिफ्टी टू वाई ठीक है

यहाँ पे क्या आ जाएगा अब एल्शियम ले लेते हैं तो वन फिफ्टी टू वाई अपॉन हंड्रेड इक्वल्स टू एट इंटू फिफ्टी सेवन ठीक है अब क्या करते हैं वाई की वैल्यू निकालनी हमको तो वाई इक्वल्स टू एट इंटू फिफ्टी सेवन इंटू हंड्रेड अपन वन फिफ्टी टू ठीक है ये आ गया काट तो के फिफ्टी किया फिर ये हो जाएगा सेवेंटी सिक्स ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ये हो जाएगा थर्टी एट

ये ये चेक करेंगे फिर इन लाइंस को चेक करेंगे फिर इन लाइंस को चेक करेंगे इनसे पहले इसे फिर ऐसे ठीक है ऐसे चेक करेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले ये वाला तो सिमेट्रिकल है क्योंकि भी भी खाली खाली है फिर ये भी सिमेट्रिकल है ये भी वाइट ये भी वाइट ये भी वाइट ये भी वाइट ठीक है तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर ये दोनों स्क्वायर्स डार्क है ये भी डार्क है ये भी डार्क है ये भी डार्क है तो ये वाला भी डार्क होना चाहिए ठीक है तो एक तो ये हो गया ठीक है एक एक आ गया फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे ये वाला चेक करेंगे ठीक है अगर ये कोने वाला डार्क है क्योंकि उसके अलावा तो सारे लाइट है ठीक है कोने वाला डार्क है तो यहाँ पे भी कोने वाला डार्क को होना चाहिए ठीक है एक और हो गया ठीक है एक और कौन सा डार्क करना है ये वाला करना है तो वन प्लस वन ठीक है दो तो आ गए फिर उसके बाद ये चेक करते हैं ठीक है इसमें ये डार्क है ठीक तो है तो ये भी डार्क है पर यहाँ पे डार्क है तो यहाँ पे भी डार्क होना चाहिए ठीक है तो एक और ऐड करना पड़ेगा हमको फिर उसके बाद हम चेक करते हैं ये वाली लाइन ये वाली अब यहाँ पे ये कोने वाला डार्क है ये भी होना चाहिए तो एक और ऐड कर लो फिर उसके बाद ये डार्क है तो ये वाला तो ही है ही पर ये वाला भी डार्क है तो यहाँ पे भी होना चाहिए तो एक और आ गया प्लस वन और ये दोनों तो ही है ही कितने हो वन प्लस वन टू, प्लस वन थ्री, हो गए गया हमारा आंसर ठीक है पाँच ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग ये था आईमो क्लास एट के सेट बी का जो हुआ था नवंबर को उसका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स लेकर थर्टी फाइव तो अगले वाले वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए एवरी डे मैथमेटिक्स अगर आपने मेरा पिछले वीडियोस नहीं देखे हो इस पेपर सॉल्यूशन के तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो थैंक यू फॉर वाचिंग